दोस्तों, यमराज का नाम लेते ही हमारे सामने एक ही दृश्य सामने आता है, वो है मौत का दृश्य। और इसी कारण यमराज को काल भी कहते हैं। और एक बात जो सत्य है कि दुनिया में सभी लोग किसी भी चीज से डरे या नहीं डरे, पर मौत से जरूर डरते हैं। इसी कारण जब किसी व्यक्ति के सपने में स्वयं यमराज आ जाए तो डर लगना लाजमी बात है। पर क्या आपको पता है कि सपने में जब यमराज दिखाई देते हैं तो वो कैसा फल देते हैं? तो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ग्रंथ चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यमराज से जुड़े सभी सपनों के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यमराज भगवान सूर्यदेव और संज्ञा के पुत्र हैं और उनकी प्रिय सवारी भैंसा है, और इनको मौत का दूत कहा जाता है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो जब कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर जब मर जाता है तो यमराज उसके प्राण हरने के लिए यमराज अपनी सवारी भैंसे पर सवार होकर एक हाथ में अपनी गदा, दूसरे हाथ में प्राण हरने वाली पाश के साथ इस पृथ्वी लोक पर आते हैं और उस व्यक्ति के प्राण हर लेते हैं। और उनका ये काम कभी रुकता नहीं है, और इसी के साथ वे उस व्यक्ति के प्राणों का उसके कर्म के हिसाब से न्याय भी करते हैं। इसी कारण यमराज को न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो यदि न्याय के देवता यमराज जी सपने में दिखाई देते हैं तो साधारण अर्थों में ये सपना शुभ सपना ही माना जाता है। और ये सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपका भाग्य उदय होने वाला है। साथ ही ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को आने वाले जीवन में शांति मिलती है, साथ ही उसके चंचल मन को विश्राम मिलता है। अधिकतर समय ये देखा गया है कि यदि सपने में व्यक्ति यमराज जी से बातें करता है तो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में लाभ होता है। तो दोस्तों, ये तो हुई साधारण अर्थ की बात। चलिए अब यमराज जी से जुड़े सभी विशेष सपनों के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। सपने में आप देखते हैं कि आप जमीन पर लेटे हुए हैं और आप देखते हैं कि आपकी सांसें चल रही है। फिर यमराज जी भैंसे पर बैठकर आपके पास आते हैं और आपके ऊपर पाश फेंकते हैं। फिर वो आपके प्राण लेकर वहां से चले जाते हैं, यानी कि आपकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा सपना एक अशुभ सपना माना जाता है। दरअसल ये सपना मृत्युदायक सपना माना जाता है। ये सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आप किसी गंभीर बीमारी या किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार होने वाले हैं। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को आने वाले समय में मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए ताकि सपने के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल सके। सपने में आप देखते हैं कि आप किसी जगह पर खड़े हुए हैं और आपको दूर कहीं कोई व्यक्ति किसी बड़े से भैंसे पर बैठा दिखाई दे रहा है जो लगातार आपको अपने पास बुला रहा है, पर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो वह व्यक्ति गायब हो जाता है। तो ऐसा सपना एक शुभ सपना माना जाता है। और ये सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपके दुश्मन आपके खिलाफ किसी भी चाल में सफल नहीं होने वाले। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को यमुना मंत्र का जाप करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यमुना जी भगवान यमराज की बहन है। यदि आप सपने में देखते हैं कि आप यमराज जी के पास में खड़े हुए हैं और यमराज जी आपसे दूर बैठे हुए आपके किसी परिचित को पुकार रहे हैं और पुकारने के बाद भी वह परिचित वहां से नहीं हिलता है, तो ऐसा सपना एक शुभ सपना माना जाता है। और ये सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि जिस परिचित को आपने सपने में देखा था उस परिचित के स्वास्थ्य में लाभ होने वाला है। यानी वो जिस गंभीर बीमारी से जूझ रहा था वो बीमारी कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाली है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए और कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप किसी खाली मैदान में खड़े हुए हैं और फिर अचानक से आपके सामने यमराज जी आ जाते हैं। उसके बाद यमराज जी आपके सामने जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और इसी के साथ आपकी नींद खुल जाती है। तो ये सपना एक अशुभ सपना माना जाता है। ये सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आप किसी बड़े विश्वासघात का शिकार होने वाले हैं। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को ना तो अपने राज किसी दूसरे व्यक्ति को बताने चाहिए और ना ही अपने बिजनेस में किसी दूसरे व्यक्ति को शामिल करना चाहिए। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए ताकि सपनों के बुरे प्रभावों से बचा जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप अपने घर के अंदर हैं और अचानक से यमराज जी आपके सामने आ जाते हैं और फिर आप उनसे बातचीत करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद यमराज जी वहां से चले जाते हैं। तो ये सपना एक शुभ सपना माना जाता है। दरअसल ये सपना सौभाग्यशाली सपना माना जाता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति की आयु लंबी होती है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को बढ़ाया जा सके। यदि सपने में आप घर के बाहर खड़े हुए हैं और अचानक से यमराज जी आपके सामने आ जाते हैं और फिर आप उनसे बातचीत करने लग जाते हैं और उसके बाद
यमराज बिना आपके प्राण लिए वहां से चले जाते हैं, तो ये एक शुभ सपना माना जाता है। और ये सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके परिवार में खुशियां बढ़ने वाली है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को बढ़ाया जा सके। सपने में आप किसी मंदिर में पूजा कर रहे हैं और आप देखते हैं कि मंदिर के बाहर यमराज अपने भैंसे पर बैठे हुए हैं, तो ये एक शुभ सपना माना जाता है। और ये सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आप किसी बड़ी चुनौती या किसी बड़ी परीक्षा में पास होने वाले हैं। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए। सपने में अपने आप को यमराज जी के साथ उनके भैंसे पर बैठे हुए देखना भी एक शुभ सपना माना जाता है। और ये सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में समाज में आपका बहुत नाम होने वाला है। ये सपना देखने वाला व्यक्ति अपने भविष्य में यश और कीर्ति को प्राप्त करता है, साथ ही वह समाज में एक आदर्श भी स्थापित करता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए और प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सपने में यमराज जी को बिना भैंसे के देखना एक अशुभ सपना माना जाता है। और ये सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपको अपने परिवार या समाज से कई आरोप लगने वाले हैं। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को आने वाले जीवन में मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए ताकि सपने के बुरे प्रभावों से बचा जा सके। अगर आपको अभी तक आए हुए सपने से कुछ अलग सपना आया है या सपनों के बारे में आपका कोई प्रश्न है या आपको कोई विशेष सपना आया है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे हम रिसर्च करके उसका वीडियो आपके लिए बना सकें। हमारा वादा है कि हम आपके सपने पर पूरे अध्ययन और विश्लेषण के बाद वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ये देखिए उन सभी किताबों का भंडार जिनसे हम आपके सामने प्रूफ और विश्लेषण के साथ सही और पूरी तरह सटीक जानकारी लेकर आते हैं। और कृपया ऐसे चैनल से सावधान रहें जो व्यूज के चक्कर में गलत जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।